जय 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 करुणाधे शिव महादेव शंभु महादेव शंभु। आज हम आए हैं नहर किनारे और यहाँ से जाते हुए हमें एक यहाँ साधु संत महात्मा जो यहाँ ये भगत बैठे हैं, किस वजह से बैठे और क्या है, ये साधु है, संत है, महात्मा है, भगत है, क्या कर रहे हैं इधर, और इनसे इस विषय में बात करने वाले हम। हमारे चैनल ऑलवेज फाइंड में स्वागत है और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना अगर आप भी एक धार्मिक सोच रखते हो। यहाँ बैठने का मकसद क्या है, आपका नाम क्या है, परिचय क्या है, डिटेल हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा जन्म का नाम प्रकाशानंद द्विवेदी है। हमें माता जी और मेरे पिताजी प्रकाश कहते हैं। हमारे जो गुरु हैं, शिक्षक गुरु, उन्होंने हमारा नाम प्रकाशानंद रखा, जिन्हें धारण किए हैं। उसके बाद उपरांत हमने उनसे ही अपना भगवा धारण करवाया। फिर हमने कहा, गुरुदेव हमें तपस्या करनी है। उन्होंने कहा कि चलते नदी के किनारे बैठ के अपना तप करो। तो आप तप करने के लिए इधर आए हैं? हम बनारस से हैं। तो इसका तपस्या का मकसद क्या रहेगा, किस लिए कर रहे हो आप? बस इसका तपस्या का मतलब यही है कि संसार और जगत खुशहाल रहेगा। किसान को जैसे कि बरसात चाहिए तो उसी के अनुसार से हम अपनी पूजा पाठ करते हैं कि जब बरसात होने की संभावना रहती है, अब जैसे कि बरसात नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात करते हैं किसान की, अब नहीं होनी चाहिए। तो हम भी अभी दूना नहीं चेतन करते हैं, केवल महादेव की पूजा करते हैं। और पीछे आपका बनने वाला है जो शनि मंदिर, हाँ जी, उसके लिए भी तप करते हैं कि हाँ लोग एकत्रित हों। कहा गया है न्याय के देवता शनि देव हैं और खाटू श्याम राजा हैं, न्याय के सहारा, तो उन्हीं की भक्ति करते हैं हम। खाटू श्याम की भी भक्ति करते हो आप? हाँ, यहाँ जो शनि का मंदिर आप बनाने जा रहे हो उसकी हाँ, भी भक्ति कर रहे हो? हाँ जी, केवल इसी की नगरित को जागृत करने के लिए। तो आप इधर बारिश में और हर तरह के मौसम में क्यों बैठे रहते हो? आप किसी एक मौसम में भी कर सकते हो इधर? कहा गया है योग हट होता है, उसके उपरांत हम बैठे हैं और किसी कारण नहीं। और आपका खाने पीने का क्या रहता है, खाना कैसे, कौन लेके आता है, कैसे बनाते हो, क्या करते हो? हम केवल दिन में 24 घंटे के अंदर एक ही बार भोजन करते हैं, दिन में 4 बजे भोजन करते हैं। और जो ये आपकी तपस्या है वह कब तक रहेगी, कब तक होना है ये? हमारी तपस्या हमने धारण किया था जब यहाँ बैठे थे इस स्थान पे, 15-16 तारीख को आ गए थे जनवरी के, इसी उपरांत हमारा 1 वर्ष का है संकल्प। तपस्या का क्या समय रहता है, किस टाइम आपको तपस्या करनी होती है और किस टाइम आपको खाना पीना? जैसे तपस्या का कोई ये नहीं, निश्चित नहीं है कि भोजन का कोई समय हो, ये समय नहीं रहता है। हमने तो केवल ये निर्धारित किया है 4 बजे अपना, 4-4:30 बजे तक भोजन कर लेते हैं, बस केवल एक बार ही। शाम को या सुबह? सुबह के टाइम, उस टाइम आप भोजन करते हो? हाँ जी। और आपका तपस्या पूर्ण होने के बाद क्या रहेगा यहाँ? यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, विधाता ने हमें पहले बता रखा है। जैसे कि नाम भी हमने जो सुना है, हमारा जैसे निंदित हुआ था उसका भी फल दिए हमें, बहुत है तब का प्रभाव हमें दिखाए हैं। उसे क्या कहना चाहोगे जो आपको देखेंगे और आप किसी तरह की मदद लेना चाहोगे या किस तरह की बात कहना चाहोगे भक्तों से? यही है मदद, जैसे कि ये रुकावट जो है शनि मंदिर का, इसका निर्माण हो जाए। और क्या साधु क्या चाहता है, साधु तो चलता है ना। सरकार इसको छाती पे लेके जाएगी ना, साधु लेके जाएगा ना, नगरी इसका प्रयोग करेगी। आप किस तरह के साधु संतों महात्माओं में आते हो जो आप इस तरह तपस्या करते हो? हम केवल प्रकृति को मानने वालों को, जैसे कि अब कहा गया है साधु होना चाहिए परंतु पड़ोसी का लड़का, अब फौजी होना चाहिए तो पड़ोसी का लड़का, साधु और फौजी अपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़का बर्बाद हो गया। हमारा लड़का तो ऐसा हो गया, इसमें चला गया, ये करता है, सुबह 4 बजे उठ के ऐसे करने लगता है, कोई भूत प्रेत तो नहीं, ऐसा है। देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, आज के टाइम में ना इंसान क्या करते हैं भाई, जहाँ नुकसान होता है वहाँ तो किसी और के बच्चे को देखते हैं और जहाँ फायदा होता है वहाँ अपने बच्चे को देखते हैं। और इसी तरह की बात साधु संत ने, इस महात्मा ने, इस भक्त ने कही है कि अगर फौज में लगना है वहाँ शहीद होने का डर होता है तो सोचते हैं पड़ोसी का बच्चा, और साधु संत बनना है तो
तो सोचते हैं पड़ोसी का बच्चा, और उन्हीं बच्चों को पूजते हैं बाद में, जो साधु संत बनते हैं, तपस्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और जब अपना बच्चा यह काम करने लग जाए तो गलत समझते हैं। ये खाटू श्याम जी के बारे में क्या बताओगे, जो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उनके लिए कहा गया है वो तो हारे का सहारा है, केवल जाए उनके दरबार पे कोई नंगे पैर चला जाए वहाँ से चप्पल पहन के आएगा, ये मेरी आशा है। और आशा क्या, मेरा विश्वास भी है, वो खाटू श्याम देता भी है इतना दौलत। तो जैसे देखने को मिलेगा खाटू श्याम के भी बहुत भक्त होते हैं, और आप जैसे इस रास्ते पर बैठे हो यहाँ से भी बहुत भक्त जाते होंगे। बस इसीलिए हमने इसी रास्ते को चुना है और किसी रास्ते को नहीं, क्योंकि यहाँ दो नदियाँ चलती हैं एक समान। हमारे कहा गया है नदी में गंगा जी नहीं आती हैं, तो गंगा मैया को हम पूछते हैं। हम बनारस के हैं तो गंगा मैया को पूछते हैं, और जमुना जो हमारी माता के समान है वो नदियों में आती है, तो जमुना हमें यही मिल जाती है। और जो सरस्वती है कहा गया पृथ्वी के अंदर रहती है, तो यहाँ नलका भी है, हम तो नलके का पानी पीते हैं, चाय पी लेते हैं सुबह एक बारी, झूठ नहीं बोलते हैं, भोग लगाते हैं तो चाय पीते हैं, अन्न हमारा ये रखा ही है, 4 बजे का तो यही लेंगे। आपके मन में इस तरह की भावना आई, तपस्या करने का सोचा, तो इस तरह की भावना क्या परिवार में थी? हमारे पिताजी कहते हैं चलो कुछ करो या ना करो, अपना केवल 2 रुपए जोड़ के रखो कि जो आगे काम आए। हमने कहा कि काम तो आने वाला, सब चीज हो गया। हमने देखा 1-2 महीने पहले कि एक अनाथ आश्रम है दिल्ली में बवाना में, तो हमने कहा चोट लगेगी, वो लोग हैं सेवा पानी कर दी देते हैं, भोजन दे ही देते हैं, क्या चाहिए हमें, और जाना एक दिन सबको है, मरने का डर नहीं। अब कुछ पढ़ाई भी की है? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हो? हमने 12वीं की है, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष, संस्कृत से की है, संपूर्णानंद संस्कृत महाविश्वविद्यालय बनारसी। एक और बहुत अच्छी बात सामने आई है, सोचते हैं तकरीबन कि साधु संत पढ़े लिखे नहीं होते, और यहाँ सामने आई है बात ये पढ़े हुए हैं संस्कृत से, इन्होंने +2 की हुई है। आपके घर वालों का क्या कहना था, उसके बाद आगे पढ़ाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने तो बचपन से ही गुरुकुल में छोड़ दिए थे, हमारी माता जी गुजर चुकी थी, पिताजी अकेले पड़ गए थे, हम गुरुकुल में पले भले, तो गुरुकुल से हमारी जो शिक्षा मिली, हमने कहा शिक्षा ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं जब तक अपने जीवन में ना हो। कहा गया है यदि ज्ञान देते वक्त उसको अपना के स्वयं सीखें उसमें बहुत फायदा होता है। रुकावट तो आएगी किसी चीज में जाएंगे, काम में रुकावट जरूर मिलती है, हमें भी रुकावटें मिली, हम कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा, परंतु रुकावट के सामना करना चाहिए अपना। यहाँ तपस्या करने के लिए आए, उसके बाद आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था, उन्होंने कैसी सोच रखी आपके बारे में? उसके बाद का ही सोच बताए हैं, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर युग पानी। कहा गया साक्षी हमारा केवल जल ही होता है, इंसान जल के बिना नहीं रह पाएगा, ये श्लोक गीता में भी मिल जाएगा और श्री रामायण में भी मिल जाएगा, तुलसीदास जी का रचित। और फिर जो भक्त होते हैं कहते हैं कि हम भोलेनाथ के शिष्य हैं, ऐसे हैं, फलाना है, गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, और फिर उनके बारे में भी कहते हैं, भोलेनाथ जी कहते हैं उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन और जगत सब सपना, कि केवल हरि का भजन ही सत्य है, बाकी जगत सपना है। हमने इसीलिए चौराहे का निर्णय लेके बैठे थे इस स्थान पे और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहूँगा जो आपने इधर यह निर्माण किया है, यह कैसे, क्या सोच के कैसे किया है? हमने तो केवल यहाँ कहा गया है चौराहे की, हरियाणा के अंदर भी और कहीं भी जाओगे चौराहे का देवी होती हैं, देवता होते हैं जो, तो हमने आदि अनंत मान के इसका शिवलिंग की स्थापना की है। कहाँ जाएंगे हम साधु संन्यासी आदमी, हरिद्वार से शिवलिंग लाएंगे, हमने यही की माटी की पहले पूजा की थी। कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यंबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा
दीपं देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितं गृहतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधि पयोधदिहुतं ब्रह्मा फलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरजितं भक्त्या प्रभो से गुरु छात्रं चामर योग युगं व्रजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा मेर्द मृदंग का हलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टांगं पणति स्तुतिर् बहुविधा हूतस्य मस्तक मया संकल्पेन समर्पितव तव विभो पूजं गृहाणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजाते विषय प्रभो गरचना कर्म करोमि तत्तखिल संभूतवाराधनम शिव संभूतवाराधनम। भोजन का समय है, उस टाइम पर आप तक कौन भोजन पहुंचाता है या खुद बनाते हो? तो भोजन पहुंचाता किसी न किसी रूप में आके दे ही जाता है। कहा गया है मानो ही नर ही नारायण है। भगत आपको किस नाम से पुकारे, कैसे पुकारे? हम तो हमारे गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा सबको चाहिए लकड़ी और तू संन्यास ले लिया है, तुझे चाहिए माटी। तू माटी की पूजा कर, जो होगा माटी तेरे को अपने आप गोद देगी। और यहाँ कुछ भक्त साधु संत इस महात्मा के पास मिलने आते हैं, इनके बारे में वो क्या कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। भगत ठीक विचारों का आदमी है। मैंने बहुत बार देखा है बारिश में भी धूप में भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, उसके बारे में? बाबा तो यहाँ बैठे रहे, ये ना इसको धूप लगती ना इसको बारिश लगती, हमने इसके विचार अच्छे लगे, विचार सुनने में अच्छे लगे, अच्छे विचार लगे इसके। तो इधर जब भी आप आते हो तो किस टाइम आते हो? हम सवेरे मैं 8 बजे भी जाता हूँ खेत में, 4 बजे भी आता हूँ, दिन रात के 8 बजे तक भी आता हूँ, बाबा से मिल के जाता हूँ। तो उस टाइम ये यहाँ बैठे रहते हैं? रहता है ये, कहीं नहीं जाता, ये गाँव में एक आध बार, एक फिर एक बार हमारे कहने से गांव में जाने लग गया ये। और खाना पीना कैसे, कौन देके जाता? पीना कभी इसको कोई दे के जाता है, कभी कोई इसको, कोई भूख नहीं है रोटी। और हम इसको बोलते हैं भाई घर में खाया है अगर रोटी, कोई तेरे को रुकावट नहीं है घर में रोटी खाने की, लेकिन ये किसी के घर रोटी नहीं खाता, इसके लिए यहीं आता है। कोई कीड़े सेब कोई भी दे गए इसको, यहीं इसकी पूजा, यहीं इसको सब कुछ यहीं मिलता है। क्या नाम आपका? सुभाष है। सुभाष जी ने कहा जो इनके पास आकर बैठते हैं कई बार और इनको खाना पीना जो देना होता है इनको देके जाते हैं, कि यह धूप हो छाए हो बारिश हो जैसा भी मौसम हो इधर यह बैठे रहते हैं। और हम कुछ राहगीरों से भी जानना चाहेंगे इनके बारे में क्या कहेंगे जो इनको यहाँ बहुत बार बैठे देखते हैं। मैं पिछली बार जब बाबा श्याम के दर्शन करना आया था मुझे देखा था ये, अब की बार तो ये तंबू लग रहा है, पिछली बार तो ये ऐसे धूप में बैठे थे। और क्या टाइम रहा होगा उस टाइम? ये 12-1 का टाइम होगा, धूप का टाइम था, काफी धूप थी उस टाइम पे, तो इसीलिए देखा। तो कुछ राहगीरों का भी कहना है कि धूप के समय भी यहीं बैठे रहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।